देश में जब भी विस्थापन और पुनर्वास की बात आती है तो विस्थापित लोगों को बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं, जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क एवं बेहतर सुविधा देने के सपने दिखाते हैं तथा आश्वासन देते हैं। उन्हीं विस्थापितों में से उषा देवी है, जो पहले परेज गाँव में रहती थी। सिस्सल पूर्वी परेज कोयला परियोजना के द्वारा 2000 ईस्वी में विस्थापित होकर अब सिस्सल का बैरक कॉलोनी में रहती है। नौकरी दबो, रोजगार दबो, सिस्सल तो बोले लो स्कूल भी यहाँ खुलवा देंगे, महिला के लिए, बच्चा के लिए स्कूल खुलवा देंगे, पढ़ेगा लिखेगा। पर यहाँ एक सप्ताह नियर एगो बगल के हल लड़का सब से सब एक सप्ताह के यहाँ पढ़ेल थून लेडीज सब के, और वो भी बंद हो गए, तो बच्चे सब ना जाथुन कहीं पढ़े के लिए। इतना छोटे छोटे घर दिले हो सिसियल कि यहाँ उतना बाल बच्चा भी ना रह सको है, आयल गेल भी ना रह सको है, कोई मेहमान भी आ गए तो कहाँ सुते भी। एक आग रूम दिले हो छोटा छोटा, खाली एगो खटिया आटो हो और रिंधना बटना वही घर में। एगो हम देवर के भी शादी कर लियो और एगो ननद के भी शादी कर लियो यहीं पर ही, तो वहाँ के ससुराल वाले बहुत खराब बोल रहे थे कि यहाँ परेज में बेटी ना लगना चाहिए। विस्थापित जो करके गेला थे ने वो सबके बेटी और लाना ना चाहिए और बेटी देना भी ना चाहिए। इसलिए वहाँ सूते के न पानी के न मैदान दान करे के कोई सुविधा ना है। सीसीएल कंपनी ने जो सपने दिखाए थी उन सुविधाओं से आज भी उषा का परिवार वंचित है। वे अपने परिवार के भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाने के कारण उनकी बड़ी बेटी का पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा और वो आज बाल मजदूरी करती है। हमें क्यों इस तरह का विकास का पाठ पढ़ाया जाता है? हमारी खुशहाल जिंदगी एक नर की जिंदगी में बदल दी जाती है, क्या यही विकास है? मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि जिम्मेदार ऑफिसर CMD गोपाल सिंह को कॉल कर दबाव बनाए ताकि वो पुनर्वास स्थल में जाकर भ्रमण करे और जो विस्थापितों से वादा किया है वो वादा को पूरा करे। मैं मोहन भुइयां, जिला रामगढ़ से, झारखंड इंडिया नेट के लिए।